अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में मजहबी तशद्दुद का माहौल है, लिहाजा इसी की कड़ी कह दीजिए कि बेलगाम शहर में भी भाजपा और संघी विचारधाराओं की जानिब से शाही मस्जिद के नीचे मंदिर का एक मसला खड़ा किया गया है। साथ में महंगाई है, बेरोजगारी है, लिहाजा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, और उन्होंने भी महंगाई बेरोजगारी के साथ किस तरह भाजपा और संघीय विचारधारा के लोग मुल्क की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रही की, आज उन्होंने यहाँ पर सहाफ़ियों से बातचीत भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। सबसे पहले आगा साहब, आपने जिस एकदम दहकते हुए मौजू पर हाथ रखा है कि ये जो मस्जिद के नीचे मंदिर का एक ट्रेंड पूरे मुल्क में शुरू हुआ है और उसकी आग अब बेलगाम तक पहुँच चुकी है, जो अभय पाटिल खुद कई सारे जो है इल्ज़ाम इस पर लगाए गए हैं, तो इस तरह की जो सियासत की जा रही है, क्या वाकई ये सियासत ही पहलू है या हिंदू मुस्लिम के ज़रिए इख्तदार को कायम रखना है और मुल्क में एक नफरत का काम, किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मैं सब में पहला इत्तेहाद न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अंदर आप अगर देखेंगे एकदम साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूं कि इंडिया में सियासत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रोड पे बैठ के सब्जी बेचने वाला भी बोलता है कि यूपी इलेक्शन के बाद में पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है। तो सियासत का मतलब ये है कि जो हम करते हैं वो किसी को समझ में नहीं आना, तो सबके समझ में आ रही है। और ये यहाँ पर जो पहले से ही बहुत सारे एक नए मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का, बिजनेस लॉस का बहुत तकलीफ चल रही थी, ये कोरोना के बाद में तो वो पूरा जो लावा जो अंदर था वो वोल्केनो बस्ट हुआ, वो बाहर निकल रहा है। तो इसमें वो बाहर निकलने से इसमें कुछ खाली मतलब जिसे काम नहीं है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रस्ट्रेटेड लोग है, जो एक नफरत का एजेंडा, मतलब जो अपना घर का जो चूल्हा, क्योंकि चूल्हे की जो आग है, गैस का रेट भी बढ़ रहा है, फ्यूल का रेट भी बढ़ रहा है, वो उसको ठंडा करने के लिए, उसको जलाने के लिए ये मजहबी तशद्दुद, मजहबी जो ये है वो मसले जो है वो उजागर करके ये अपना घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत जीवी लोग जो है ये अपना एक फॉल्स एजेंडा आस्था के नाम पे लेके चल रहे हैं। तो हमारी ये अपील है पूरे अवाम से, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कि आस्था के नाम के ऊपर, क्योंकि एक आस्था एक पर्सनल फीलिंग है, आस्था एक पर्सनल फीलिंग है जो एक हर इंसान में होती है, और वो फीलिंग जो है उसके लिए बहुत मतलब क्या है कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग रहती है, एक बहुत मैं उसको क्या बोलूँ कि एक नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग रहती है, और वो सेक्रेट फीलिंग है, एक बहुत पवित्र फीलिंग है। वो फीलिंग के नाम के ऊपर अगर मुसलमान रोड पर आया और हिंदू रोड पर आया, तो ये जो तशद्दुद होने वाला, ये जो टकराव होने वाला, वो देश हित में नहीं है। सर, एक बात खास देखी जा रही है कि नबी की शान में गुस्ताखी नूपुर शर्मा ने जो किया, फिर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवा का मंदिर है, फिर टीपू सुल्तान शहीद की जो मस्जिद आला की, मतलब इस तरह का, तो इस पर एक पूरा मुसलमान समाज भी खामोश है। तो कई सारे मुस्लिम लीडर्स, जैसा हमने कल महमूद मदनी को भी ये कहते हुए देखा कि हम क्या कहते हैं जुल्म सह लेंगे, तो मुल्क पर आँच नहीं देंगे, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? कोई इसकी ये तो बताए कि कुछ तारीख है या कुछ उसका रुकने का कुछ जगह कहाँ पर जाकर रुकना है, यानी कि आवाज़ नहीं, खामोशी ठीक है वो अगर जानबूझकर। अच्छा, दूसरी ये भी बात है कि अदालतें इन पिटिशनों को कबूल क्यों करते हैं? कोई भी सड़क का रहा चलता राहगीर किसी जगह पर मंदिर होने का दावा करे तो उस पिटिशन को लेते हैं, तो अदलिया कहाँ तक आकर शक के दायरे में खड़ी हो जाती है? नहीं, अभी मैं जैसा बोला कि यहाँ पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड जो लोग है वो ये काम कर रहे हैं, और ये लोगों की तादाद आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और हमारे जहाँ तक मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम लीडर्स है, वो चाहे हमारे जो उलमा है, वो चाहे सियासी लीडर है, जो भी है, वो एक फियर साइकोसिस, एक डर के माहौल में रह रहे हैं, और ये वो खुद के लिए भी डर रहे हैं और एक नए आवाम के लिए भी डर रहे हैं, क्या एक नए मुसलमानों का क्या होने वाला, ये डर रहे हैं। हाँ, तो ये डर का माहौल की वजह से जो है वो कुछ भी
इसके ऊपर एक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, खामोशी से सह रहे हैं। अभी हमारे एक बड़े उलमा ने कहा कि हम हर तशद्दुद सहेंगे लेकिन यहीं पर ही रहेंगे, और ये उनका बोलना है। और वो एक अपना एक डर ही है जो वो पूरा जो ये हो रहा है वो। और जहाँ तक अदलिया का आप जो सवाल करें, वो अदलिया का ऐसा है कि एक्चुअली आज इंडिया में जो भी लोग हैं माइनॉरिटीज़, वो चाहे सिख माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, ये सब माइनॉरिटी जो है वो पूरे अदलिया के विश्वास के ऊपर ही है। क्योंकि हमारे वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, वन मैन वन वोट के अंदर क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ इसके अंदर कभी भी ये नहीं होते। लेकिन हमारा पूरा इंडिया का जो ये है, जो एक जुडिशरी, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर विश्वास करके ही आज हम एक नए 75 साल से एक नए हैं इंडिया में हम है। तो अदलिया भी इसके अंदर जो है उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, वो एक नए ये एडमिट करिए जो कि नहीं करना चाहिए, ये कर रही है कोशिश है। और मेरे पूरा विश्वास है जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो एक नया हमारे जुडिशरी पर जो विश्वास करें, और मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो अदलिया जो जुडिशरी जो है वो पूरा वो विश्वास को कायम रखे। नहीं, ये जो फार्मूला इनको मिला हुआ है कि एक तरह से हिंदू मुस्लिम करो और इख्तदार तक पहुँच जाओ, अगर अभय पटेल आज इस तरह के मसलों को छेड़ रहा है तो ये क्या पार्टी लाइन पे ही काम चल रहा है? बिल्कुल पार्टी लाइन पे काम चल रहा है, और उसका कुछ भी इसका ये नहीं है। क्योंकि एक उनका एक एजेंडा है, क्योंकि आज ये एजेंडे के तहत वो पूरा अपोजिशन को भी ख़त्म कर दे, आज अपोजिशन को भी ख़त्म करे ये एजेंडा के तहत। हाँ, और उनके एक नए ये कॉरपोरेट को हाथ में लेके पूरा मीडिया को कंट्रोल करके एक नए अपोजिशन को भी ख़त्म कर दिया। ये जैसा भुखमरी है, बेरोजगारी, महंगाई को ये धर्म के साथ बैलेंस करते हुए जा रहे क्या? नहीं, भूखमरी तो एक भूखमरी को तो वो अपना हथियार बनाए हैं, भूखमरी अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा हथियार बनाकर चल रही है। ये जो है इनका पूरा एक एजेंडा है, ये पूरा हथियार बना के चल रहे हैं। सर, निशाने पर मुस्लिम समाज ही है, और पूरे मुल्क की बदकिस्मती से सियासत मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर रोज़ाना कोई इशू है तो मुसलमानों के ताल्लुक से ही होगा, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं। तो मुस्लिम समाज को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, जिस तरह से लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी होता जा रहा है, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? मुस्लिम समाज को एक ही बात है कि ये मसला क्या आज आया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मसला जो है मुसलमानों के ऊपर ऐसा भी नहीं है, आज सिख समाज पे भी है। पूरे अगर दुनिया की अगर हिस्ट्री देखेंगे, 5,000-7,000 साल पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में सब है। ऐसे मौके आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हर सिविलाइजेशन में। तो इसके अंदर इसका एक ही इलाज है कि एक ही यूनिटी, मुस्लिम कौम जो है जितना मुत्तहिद होंगी उतना अच्छा है। क्योंकि आज हम फिरकों में बटे हैं आज है, तो इसका जेनोसाइड की बात खुले मंचों से होती है, फिर सेक्युलर कहलाने वाले लोग जो मुसलमानों की वोटों पर जिनकी पार्टियां अब तक पनपती रही, इख्तदार में भी रही, ये लोग कहाँ हैं? देखिए, जेनोसाइड ऐसा इंडिया में तो नहीं होने वाला। इंडिया हमारा एक ऐसा देश है, अगर इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक ना मुसलमान हिंदुओं का जेनोसाइड करा है, ना हिंदू मुसलमान का जेनोसाइड करा है, ऐसा तो यहाँ इंडिया में कभी हुआ नहीं। लेकिन ये मैं वही बोल रहा ना कि मुसलमान समाज जो है, मुसलमान कौम जो है, जो डर के एक फियर साइकोसिस, डर के माहौल में जीने की वजह से ये जो एक जो डर है हमारा, जो एक इनसिक्योरिटी का जो डर है, वो डर के वजह से ये जेनोसाइड का मामला जो है बार बार उठाया जा रहा है, और इससे संघीय विचारधारा को फायदा पहुंच रहा है। हालांकि वो नहीं करने वाले, इसका कहना मैं पूरी आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। नहीं, मुसलमानों को लेकर रोजाना कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रहती है, पुलिस इंतजामिया खामोश है, जबकि अगर कोई फेसबुक का पोस्ट भी करता है तो उस पर सुमोटो लेकर उसे गिरफ्तार भी किया जाता है, इन लोगों को क्यों छोड़ दिया? देखिए, इसमें पुलिस की जो है सो है, लेकिन इसमें मैं हमारे मुसलमानों की
एक कमज़ोरी मैं उजागर करना चाहता हूँ कि हमारे आपसी नाइत्तेफाकी की वजह से हमारा रिप्रेजेंटेशन, वो चाहे पुलिस महकमा को हो या पार्लियामेंट में हो या असम्बली में हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं हो रहा। और हमारे जो लीडर्स है वो उन्होंने अपने कुछ जाति मफाद में, जैसे कि उनके खुद के पर्सनल जो है बेनामी और गलत धंधों के वजह से वो हमारी कौम की नुमाइंदगी बराबर नहीं कर रहे। इसके वजह से क्या है, पुलिस महकमा को कहाँ ना कहाँ जो है एक सामने वाले के प्रेशर में काम करना पड़ रहा है। अगर आज भी हम मुसलमान एक होकर एक सही रहनुमा के एक सही लीडरशिप के अंदर हम पुलिस को रिप्रेजेंटेशन देंगे, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ये इंडिया में बात नहीं होती, क्योंकि हमारी यहाँ का एक इंडिया का एक कल्चर ही अलग है। हमारे इंडिया का एक कल्चर ही अलग है। यहाँ पर ऐसे चीज़ पिछले 500-1000 साल में कहीं भी देखे नहीं गई। पूरे मुल्की सतह पर तो है ही है, आलमी सतह पर भी इसकी चर्चा है कि भारत में जो ये मजहबी तशद्दुद की वारदातें भी इजाफा हो चुकी हैं, मीडिया पर भी हमला है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरह की बातें हैं। तो ये जो सेक्युलर एक बड़ा तबका है, जैसा आपने कहा है कि उंगलियों पर गिने चुने लोग हैं जो ये नफरत फैला रहे हैं, नफरत जी भी है, लेकिन बाकी के जो लोग एक मखसूस समाज पर अगर जुल्म ज्यादती हो रही है तो वो लोग खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं आ रहे वो? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया जो है, जहाँ तक कॉरपोरेट लॉबी है, बिजनेस का जो ये है, वहाँ पे बहुत सारी बात चल रही है, ये मीडिया में नहीं आ रही। जैसा कि आप बोले कि मीडिया को एडजस्ट किया हुआ है, मीडिया में बात नहीं आ रही, लेकिन बात ये हो रही है। और वो इसलिए बात हो रही है कि वो मुसलमानों के वजह से बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो बिज़नेस डाउन हो रहा है, यहाँ पे जो आए दिन जो फसाद होने के वजह से या जो प्रॉब्लम होने के वजह से जो बिज़नेस पे जो हो रहा है, इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात हो रही है। और कहाँ ना कहाँ हमारे एक नए प्रधानमंत्री को भी एक नए इसके बारे में उनको बोल रहे हैं। और जैसा अभी लास्ट टाइम बोले तो उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर, उन्होंने एक नए बताया कि यह हमारा इंटरनल मामला है, इसके अंदर आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा बताया। तो बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हो रही है बात। हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।